अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैंने पहले बेड पर काश्ता गंदम की वीडियो अपलोड की, जिसमें आपसे वादा किया था कि आपको जो है वो नार्क जीवन का जो फील्ड है 30 एकड़ का, उसके बारे में भी अल्लाह दिता साहब से मालूमात लेकर देंगे। तो अल्लाह दिता साहब हमारे पास मौजूद है, अब हम इनसे सरेकी में बात करेंगे, एंड पर मैं आपको इसका खुलासा बता दूंगा। अच्छा ये दसाओ, ये मेरे ख्याल दो त्रै साल तो तुम काश्त करेंगे खड़े में नार्क बतौर बीज फिलहाल सेल किए पिछले दो साल या मार्केट विच बीज सीड लोक लाइवन इंडियन कर बन करे शुरू तो ही ड्रिप ते लेंदे खड़े वे या पहले ही में आई पहले ओपन आ कितनी लेना लेंदे आवे उस वेले त्रै लेना अच्छा त्रै लेना वो थोड़ा ही बेड ये 40 इंच दा वो हाई 21 इंच दा अच्छा वो छोटा है वो ते त्रै लेना होन लगे पे 6 होन 6 दरमियान च वक्फा बराबर है बिल्कुल सर लेन दा बिल्कुल बराबर दिखाओ नहीं नहीं ये बीज दा मसला है कोई मसला जी। ये इसकी एक जो है ना पूरी उसका साइज है और ये इन्होंने लगाया हुआ है 42 इंच के बेड के ऊपर 6 लाइनें लगाई हुई हैं। अभी तो माशाल्लाह पौधे सेहतमंद है और इन्होंने ड्रिप के ऊपर लगाया हुआ है। इको चौकी खाद रीति वे इको हाल ही वाले 6 किलो यूरिया दिता सिर्फ स्प्रे जड़ी थी बीमारियां वाली कोई स्प्रे नहीं होती इन्हों तो करेंगे क्या नहीं तुम पूरा सीजन इन्हें बेच पोटाश कर रहे ने सल्फर कर रहे ने फ्लड कर रहे पानी कर, अच्छा पानी फ्लड कर लेता हाँ हाँ एक को थ्रेप्स आ दिए थ्रेप्स आ दिए ठीक वो थ्रेप्स दिए का स्प्रे कर रहे ने बस अच्छा भैया कोई थे शुगर नहीं कोई इशू नहीं वो तल्लू है वाले गलन पे मैंने कुछ इलाके जे मसला है पिछले साल कोई मसला नहीं आता इवें गलत फहमियां कर रहे बंदे साडे कोल कोई नहीं आया जी। अच्छा नहीं ते एंदी वाला पैदावार वैसे चोखी निकल आंदी किले च पैदावार इंदी 400 मण 500 मण 450 मण ठीक है ए हुन नावें दी काश ते दावें दे ए दावें दी काश है दावें दे शुरू विच ए शुरू विच ते हुन कडण वंज पट्टी सी ए तकरीबन पंजवें दे शुरू है पट्टी यानी फुल सीजन फसल है जिवें कणक दी है फुल सीजन है। अच्छा इंदे वालों कोई गंद वाला स्प्रे करेंदे होंदे वे या सिर्फ गोडी करवांदे वे ना इंदा कोई पहले कराई है इंदे जमण तो पहले अच्छा वो जड़ी शुरू विच करी दी बीज लावण तो बाद बीज लावण तो बीज ला दे उते स्प्रे की दिए अच्छा गंद वाली ना जमण वाले जी जी गंद पट लिया बस यानी जिथे जिथे कोई चौड़े पत्ते वाली मुंडू छे की हां लेबरा कमानी है लेबरा दी की वो का लेबरा सही सही वाल पटाई दस्ती करवेंदा वे बंदिया कोलो या कोई मशीन रखे हो या मशीन भी है ते ऊ ऐसा कही नाल करे ने अच्छा कही नाल करेंदा वे ए वाले को इथू काट के दे वाले पहले कोई खुश करे ना बिल्कुल नहीं कोई ए खुश नहीं थी ना ए इमे जीवे हो सी इमे प्यारा एक दे दी धूप ला दे ते वाले को फार्म में टांग दीता टांग दे दे वे टांग दे ए वाला आप दे आप सुख दे खड़े ए सुख दे खड़े ठीक जड्डन लावण दा मौसम आया को पाल्टी आ गई को किन्नण वाली वो भी भूखा समय चलता सही सही ताकि खराब ना थी खराब ना थी तो आ कौन क्या नजर आने दा अगला फ्यूचर कोई क्या रेट इवें राशि या तो आपको लगे देखो ये घटदा वेंदे ये अल्लाह बेहतर जान दे हुन आवण वाले वक्त दा अल्लाह ताला को भी पता है। अच्छा इंदा हुन मेरे ख्याल तकरीबन 1 किले उते बहुत ज्यादा खर्चा थिंदा सी ते तुसा तकरीबन 30 किले लायो है इतनी इन्वेस्टमेंट खुद अपने रिस्क ते कीती होई आप दे आप दे अच्छा ते पिछले सालां तजुर्बे च क्या रही है चोखा प्रॉफिट रहा है या खसारा है शुक्र दा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मियां साहब को बड़ा प्रॉफिट थी है कोई गल दा का नहीं अच्छा ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਹੀ ਦੱਸੇ ਸੀ ਕਿਆ ਥੀਂਦੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਯਹਾਂ ਪਰ 30 ਏਕੜ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸੇ ਪੁੱਛ ਲੂੰਗਾ ਅਗਰ ਯੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਂਗੇ ਤੋ ਇਨਕਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਯੇ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੋ ਬਣਾਤਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ ਮੈਂ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਤੋ 30 ਏਕੜ ਇਨਕੇ ਪਾਸ ਨਾਰਕ G1 ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਹੈ अब ये देखेंगे कि इसकी ग्रोथ इस पर मसला कोई आता है या नहीं आता और जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी उस वक्त इसका क्या रेट निकलता है। तो कोई अगर काश्तकार आप में से इंटरेस्टेड होगा तो मैं आपके साथ इनका नंबर भी शेयर कर दूंगा। फिलहाल इन्होंने ये बताया कि इसको 6-8 किलो यूरिया या 8 किलो 8 किलो यूरिया लगाया हुआ सिर्फ ड्रिप के थ्रू और बाकी जो है शुरू में प्री इमरजेंस हर्बिसाइड स्प्रे की थी उसके बाद जो है मसलन यहाँ पर जो अगर जड़ी बूटी नज़र आ रही है तो ये इसे पकड़ के ऐसे उखेड़ देते हैं
ताकि वो दोबारा से फूटे ही ना, उसे जड़ से निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पर लेली वगैरह का है इशू, बनवेड़ी का, ये बड़ी सख्त जान जड़ी बूटी है, तो ये इस तरह की ना इन्होंने लेबर रखी हुई है, वो लेबर इसमें से निकालती रहती है, यानी गोटी नहीं करवाते और जो है बाद में जो है वो जड़ी बूटी मारदारों का स्प्रे भी नहीं करते। अब पिछले साल मैंने और भी कुछ फील्ड देखे थे जहाँ पर बहुत सारे मसाइल आए हैं, बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा आई हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है, हम सल्फ़र और पोटाश इसे फ्लड करते रहते हैं, बाकी सिर्फ और सिर्फ थ्रिप्स का स्प्रे करना पड़ता है। तो मैं इनसे पूछ के अगर ये इजाज़त देंगे तो इनका नंबर भी शेयर कर दूंगा, आप इनसे मशवरा ले सकते हैं, या बीज किसी ने लेना हो तो भी आप इनसे रابطہ कर सकते हैं।